टूंडला चौराहा का भ्रमण कर लिया जायजा। पार्टी कार्यकर्ता भी रहे साथ। टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने टूंडला चौराहे का निरीक्षण कर कहा कि आने जाने वाली सवारियों के लिए टूंडला चौराहे पर बैठने की व्यवस्था बहुत जल्द करने वाले हैं। जो यात्री एटा जाते हैं, आगरा की ओर जाते हैं, फिरोजाबाद की तरफ जाते हैं, उनको काफी देर तक बस के इंतजार में खड़ा होना पड़ता है। उसको संज्ञान में लेते हुए टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने बोला है कि यात्री खड़े होने से परेशान हो जाते हैं। यात्रियों व स्टूडेंट्स के लिए चौराहे पर रोड किनारे पर यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं एटा रोड पर एक मुख्य द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। आगे किसी भी यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 पर बोले कि हमारे जिले में किसी भी प्रकार की अब कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमने महामारी पर काफी नियंत्रण कर लिया है। पहले और अब के केस में काफी गिरावट भी हुई है। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से हमारे जिला संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। देखिए मैंने देखा है यहाँ पर यात्री बहुत तादाद में खड़ी हुई रहती है। एटा से आने वाले भी, आगरा से आने वाले भी, फिरोजाबाद से भी आने वाले और कहीं दूर दराज से रेलवे स्टेशन से उतरते हैं और यहाँ पर खड़े होते हैं। हमने वाहन की भी इच्छा करते हैं तो मैंने ये सोचा बैठने के लिए कि आपकी सेट तैयार किया जाए जिससे वो बैठ करके इंतजार करें या खड़े होकर के इंतजार करते हैं। मुझे चिंता हुई यात्रियों की कि वो उनके लिए जैसी चिंता की जाए, चाहे वो 10 मिनट बैठे, चाहे वो आधा घंटा बैठे या घंटों बैठे, अपने वाहन के इंतजार में खड़ा न होना पड़े। सुविधा के लिए मैंने यहाँ यात्री तैयार कराने के लिए मैंने बीस आपको बुलाया। और कोविड के 90 को लेकर क्या यहाँ मेरे जनपद में कोविड को लेकर के बहुत गंभीरता से है। सभी हमारे नोडल अधिकारी गेहूं, मैं भी कल कोविड सेंटर पर बैठा तो मैंने वहाँ कॉल सेंटर से देखा, मैंने भी फोन रिसीव किए तो फोन रिसीव होने के बाद मैंने देखा कि मेरी विधानसभा और पूरे जनपद में से जो भी कॉल आता है, चाहे वो पॉजिटिव व्यक्ति हो, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे वो एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कॉल करे या होम आइसोलेशन में जो मेडिसिन किट होती है उसके लिए, तो सारे कॉल सेंटर पर लोग हमारे कर्मचारी वहाँ बैठे हुए हैं। हर एक का फोन करते हैं, सबका फोन रिसीव करते हैं। जो फोन रिसीव करने के बाद उन्हें सुविधा देने का काम करते हैं, होम आइसोलेशन पर उन्हें मेडिसिन किट पहुँचाने का काम करते हैं और एम्बुलेंस की पूरी सुविधा कराते हैं, पेशेंट को लाना है, पहुँचाना है। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव है तो वो वार्ड आइसोलेशन हमारा जो ड्रामा सेंटर पर है वहाँ पर पेशेंट को पूरी व्यवस्था और ऑक्सीजन सुविधा उसको उपलब्ध करा करके यहाँ पर मरीजों की पूरी व्यवस्था देखी जाती है। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ फिरोजाबाद में 200 से ऊपर थे पेशेंट आते थे पहले, मगर उसके बाद आज संख्या 85-80 रह गई है। तो हमने कोविड को कंट्रोल किया है, हमारे सीएमओ ने भी किया है, यहाँ पर मॉडल अधिकारी जो लगे हुए हैं प्रताप सिंह जी उन्होंने भी किया है। तो मैं जानता हूँ यहाँ पर व्यवस्था बहुत ठीक है। हमारा FHB यहाँ मेडिकल कॉलेज है, उसमें 200 बेड हैं, पूरी व्यवस्था उनको दी जा रही है। ऐसे ही जो मरीजों की शिकायत आ रही है, जो रेप चल रही है, केसर कराए जा रहे हैं वैक्सीन लगाने को लेकर, वो इस समय बंद चल रही है और टूंडला हॉस्पिटल में अभी वैक्सीन भी नहीं है, खत्म है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए वैक्सीन की कभी कोई कमी नहीं रही है, लोग कम संख्या में पहुंचे मगर जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उनका पूरा वैक्सीन लगाई जा रही है। कोई कमी नहीं है वैक्सीन की, न किसी ऑक्सीजन की कमी है, न किसी मेडिसिन की कमी है। सरकार पूरी तरह से स्वस्थ रूप से हमारी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में इसको कोविड को बहुत कंट्रोल किया है। अब आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में देश में संख्या कम हो गई है, तो अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है।